समय हुआ तो सारे रिश्तेदार आंगन में पहुंचे, सब लोग पहुंच गए, भीड़। पर्चा बनवाया, रामा ने सास से कहा कि कुछ पर्चा बना दो। तो सास ने कहा, अरे तेरा वो पिता कंगाल पिता, क्या उसके लिए पर्चा बनाऊं? देखो कैसा भिखारी से आकर के खड़ा हो गया और एक नहीं 16-16 अंधों को साथ में ले आया, टूटी गाड़ी से आया, गौशाला में रुका है, क्या देगा वो, क्या पर्चा बनाए? बोले कोई बात नहीं सासू मां, आप लिख दो जो लिखना चाहो लिख दो, बस पिताजी की स्थिति ध्यान करके लिखना। सास ने कहा ये नहीं मानती तो इसे ठीक ही कर देना। तो सास ने सब सामान बढ़ा चढ़ा के सब लिखा, इतने वस्त्र, इतने बर्तन, इतने चांदी के, इतने ये, इतने सब। तो रामा ने कहा सास जी और, तो गुस्सा गई, बोले लाएगा तो कुछ है नहीं, वैसे लिखा रही है। तो गुस्सा गई, गुस्से में कह दिया दो पत्थर और लिख दे। उसने दो पत्थर लिख दिए, पर्चा नरसी को दिया रामा ने कांपते हाथों से, लेकिन वो पर्चा नरसी तक नहीं पहुंच पाया। इतनी तेज हवा आई कि वो पर्चा पता नहीं कहां चला गया। अब तो पर्चा भी गायब हो गया, क्या कर। नरसी आकर के कोने में बैठ गए, सारे रिश्तेदार, रामा एक कोने में सोच रही क्या होगा प्रभु, कैसे लाज रही। तब तक एक अद्भुत दृश्य होता, तब तक दिखाया द्वार पर रथ आया एक, तब तक दिखाया द्वार पर रथ आया एक, अद्भुत अनूप अति शोभा की नसीम है, कोई सीमा नहीं, इतना सुंदर रथ दिव्य। अरे उतरे रथवान देख सब तब भौचक भये, और जो रथ पे बैठा था उसकी तो शोभा कुछ वर्ण नहीं सकते, मुंह से नहीं कह सकते। अरे उसे तो देखते ही सब आश्चर्य में पड़ गए, ये हो क्या रहा, कौन उतर रहा है, इतना दिव्य रथ किसका है, कहां से आया। तो उतरे रथवान देख सबे तब भौचक भये, बरन मन मोहन श्याम सुंदर असीम है, बहुत सुंदर, कौन है ये। आबत चिते सब उठी उठी करन प्रणाम लागे, अपने ही आप। ये नियम है शास्त्र का कि अपने के श्रेष्ठ के आगे स्वतः सिर झुक जाता है, तो अपने आप प्रणाम करने लगे। आबत चिते सब उठी उठी करन प्रणाम लागे, मानो सभा में आए महामहिम है। पता नहीं कौन कितना सबसे बड़ा व्यक्ति आ गया है, कौन आया है भाई जो सब उठ उठ कर जिसे प्रणाम करने लगे और जानते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जान करके प्रणाम कर रहे हैं, जानते नहीं है, बगैर जाने प्रणाम कर रहे हैं। कोई जरूर बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, ऐसा जान करके सब प्रणाम कर रहे हैं। तो आदर सत्कार पाए बैठे फिर परिचय दियो, जब सबने आदर सत्कार किया फिर अपना परिचय दिया, तो क्या बोले। आदर सत्कार पाए बैठे फिर परिचय दियो, सेठ मेरे नरसी हम उनके मुनीम है, सेठ मेरे नरसी हम उनके मुनीम है। जब परिचय पूछा लोगों ने, महाराज कहां से आपका आगमन हुआ, अरे बोले वो सेठ जी बैठे ना हमारे, नरसी जी हम उनके मुनीम हैं।
अब तो सबकी आंखें फट गई। जिसका मुनीम इतने दिव्य रथ पर सवार होकर के आया है, इतना दिव्य है, तो वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। सब आश्चर्य में पड़ गए। रामा ने सोचा, लगता यही भाई है मेरा, यही भाई आया। पिताजी तो पहले आ गए, पिताजी ने हमें बताया नहीं, लगता है भाई को बाद में पिताजी ने भेजा। अब तो रामा प्रसन्न हो गए, अरे भैया आ गया, भैया आ गया। खुशी के आंसू निकलने लगे रामा के। रामा ने कहा, सासू जी पर्चा पढ़ो। सासू पर्चा पढ़ने लगी। रामा को पाटे पे खड़ा किया गया और कन्हैया भात पहनाने लगा। भैया भात रहो है पहनाए, हर सिरे ही मन बहना। भैया भात रहो है पहनाए, हर सिरे ही मन से रही मन बहना। भैया भात रहो है पहनाए, तरस रही मन बहना। साड़ी सूट आभूषण में बाफल मंगा सब आए, सूट आभूषण में बाफल मिष्ठान मंगाए। साड़ी सूट आभूषण में बाफल मिष्ठान मंगाए, साड़ी सूट आभूषण में बाफल मिष्ठान मंगाए। बर्तन सेट सौ गुने सोने, बर्तन सेट सौ गुने सोने के समान सब आए। आज कछु बाकी बचो ना, भैया भात रहो है पहनाए, हर से रही मन बहना। भैया भात रहो है पहनाए, हर से रही मन बहना। आंसू निकले काना ले पीतांबर पहुंचे, खुशी के आंसू निकले काना ले पीतांबर पहुंचे, आंसू निकले काना ले पीतांबर पहुंचे। रामा की सब सखियां आंगन, रामा की सब सखियां आंगन खड़ी खड़ी मन सोते। कन्हैया जो तो लागे बहना, भैया भात रहो है पहनाए, हर से
घाघरा माँ को एरी सब सखियां बतलावे धन्य घाघरा माँ को एरी सब सखियां बतलावे धन्य घाघरा माँ को हीरो सब सखियां बतलावे तीन लोक के नाथ कन्हैया तीन लोक के नाथ कन्हैया जाको बात पिनावे आज जाको क्या कहना भैया बात सुने तो है बहना हर से नहीं मन बहना भैया बात सुने तो है बहना हर से नहीं मन बहना भैया बात रामा को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, उसे तो यही लग रहा है कि हमने तो भाई को कभी देखा ही नहीं, तो भाई हमारा यही होगा, कितना सुंदर मेरा भाई, कितना अच्छा। तो जब भात पहनाने लगा भाई, तो रामा की आंखों से आंसू निकलने लगे कि मेरे पिता के पास तो नहीं कुछ है, लेकिन भाई ने मेरी लाज रख ली, लाज रख ली, ऐसा भाई होना चाहिए। लेकिन जो रामा के साथ सखियां खड़ी थी, उन्होंने देखा ये तो कन्हैया लग रहा है, इसका भाई तो लग नहीं रहा, ये तो लगता है कन्हैया। सारी आश्चर्य में पड़ गई, अरे धन्य है आज रामा के भाग्य, धन्य हो गई ये रामा, कितना बड़ा भाग्य इस रामा को, रामा का जो तीनों लोगों का ठाकुर, इसे भात पहनाने के लिए स्वयं आज फाटे पर खड़ा है, धन्य है। ध्यान रखना, जो अपने संसार के इस कीचड़ को छोड़कर जो मेरे परमात्मा की शरण में अपने मन को लगा देता है, मेरा ठाकुर भी अपना सब सारा ऐश्वर्य छोड़कर उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर्चा जब पढ़ा गया तो साड़ी आभूषण जितने लिखे थे उससे हजार गुने आकर के गिरने लगे, हजार गुने आकर के गिरने लगे, और अंत में जो दो पत्थर लिखे थे गुस्से में उसने, तो उन दो पत्थरों की जगह दो बड़ी बड़ी ईंटें सोने की जब आंगन में गिरी, तो सास का माथा चकराया, कहने लगी हमारी तो बुद्धि पे ही पत्थर पड़ गए थे, नहीं तो हम और लिख देती। यारे, उसका सम्मान कभी नहीं जा सकता, उसकी लज्जा कभी नहीं जा सकती, उसका बाल बांका कभी नहीं हो सकता, जिसका रक्षक मेरा ठाकुर है। इस तरह भगवान कहता है कि जो मुझ में विश्वास रखता है, सबको छोड़कर जो मुझ पर विश्वास रखता है, मेरी शरण में जो आ जाता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, उसी तरह मैं उसका ख्याल रखता हूं। इस तरह जो राजा मुचकुंद थे, वो ही नरसिंह मेहता हुए थे। भगवान ने कहते इनके 52 कार्य पूर्ण किए थे, 52। इसलिए प्यारे, ये संसार में कुछ भी साथ नहीं जाना, न तो ये संसार में कुछ साथ जाना है, और न ही ये संसार आपका साथ निभाएगा। तो इसलिए दोनों स्थितियों में हम परमात्मा का ध्यान करें, वही अंत का भी साथी है और वही आदि का भी साथी है, हर पल पल का वो साथी है, और वही हमें पल पल विपत्तियों से बचाता है, हमारी रक्षा करता है।
इसलिए ये तो बीच में आए हैं, बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाएंगे, बीच में ही छूट जाएंगे। इसलिए इनमें नहीं फंसना है, इनसे अलग होकर के देखना है। मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा की और भगवान की प्रार्थना करते हुए मुचकुंद महाराज बद्रिकाश्रम चले गए। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी महाराज, अनार्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीं सुतां ब्राह्मण चो दितः प्रादात् बलायेति पुरोदितम्। महाराज बलदाऊ का विवाह रेवती के साथ हुआ और अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं अब हम तुम्हें कन्हैया के विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान अपि गोविंदा उपये मे कुरो दोहा वैदर्वीं भीष्मक सुतां स्त्रियो मात्रां स्वयंवरे। भीष्मक की पुत्री जो कि लक्ष्मी का अवतार थी रुक्मिणी, उनका हरण हमारा कन्हैया सबका मान मर्दन करके कर लाए थे। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज ये कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी, विदर्भ देश के राजा भीष्मक बहुत ही भगवान के भक्त थे, उनके पांच पुत्र थे और एक कन्या थी। पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मिबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली था तथा पुत्री का नाम रुक्मिणी था। तो जो रुक्मी था वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और जो भीष्मक पिता थे रुक्मिणी के तो वो भीष्मक जो है रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ करना चाहते थे। रुक्मिणी ने कन्हैया के गुणों के विषय में सुन रखा था तो रुक्मिणी ने कन्हैया को मन ही मन अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी कौन है? ये रुक्मिणी है हमारी आत्मा और कोई नहीं। रुक्मिणी है, ये रुक्मिणी है हमारी आत्मा और रुक्मी कौन है? रुक्मिणी है आत्मा हमारी और रुक्मी है हमारा मन। भीष्मक है ज्ञान और रुक्मिणी की मां का नाम था शुद्धमती, शुद्ध बुद्धि, सद्बुद्धि। तो रुक्मिणी की मां है सद्बुद्धि, भीष्मक है ज्ञान, रुक्मी है मन, रुक्मिणी है आत्मा और शिशुपाल कौन है? शिशुपाल है काम, संसारी जीव। तो ये रुक्मी रूपी मन, रुक्मी रूपी मन, आत्मा रूपी रुक्मिणी को संसार रूपी जीव रूपी शिशुपाल से जोड़ना चाहता है। बोलो चाहता है कि नहीं चाहता? मन कहां लगता है? जहां मन लगाना न पड़े, जहां मन स्वतः लग जाए वो क्या है? बोलो वो है संसार। यहां लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मन ऑटोमेटिक प्रणाली पे काम करता है। संसार को देखते ही लग जाता है और परमात्मा में लगाने से भी नहीं लगता है, समझ लो। जहां लगाने से भी न लगे वही परमात्मा। एक बच्चा भागता हुआ एक गुरुजी के पास पहुंचा, बोले गुरुजी गुरुजी हमारा आज मन नहीं लगता। अरे गुरुजी ने कहा आज मन नहीं लगता, ये तो बड़ा चंबा हो गया, लगता है भगवान की कृपा इस पे हो गई, वरना ऐसा कौन सा जीव है जो संसार से हटे जब तक टांग पकड़ के खींच के बाहर न डाले, कोई निकलना नहीं चाहता।
ये तो बड़ी कृपा इस लड़के पर हो गई। ये कहता है कि हमें हमारा मन नहीं लगता। गुरुजी ने कहा सही बता। बोले गुरुजी वास्तव में हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगता, आज बिल्कुल मन ही नहीं लगता। तो गुरुजी ने लगता भगवान की कृपा इसके हो गई। तो गुरुजी ने सोचा चलो पूछ लो। गुरुजी ने कहा फिर बेटा फिर क्या? गुरुजी ऐसा लगता है आज तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा कहीं भी, ऐसा लगता है जाकर के पिक्चर देखा है। गुरुजी ने कहा दुष्ट कहीं मन हट करके भी लगा तो कहां लगा, फिर संसार ही। इसलिए ये मन परीक्षित जी महाराज बड़ा कठिन है ना। तो हम अच्छा मन एक तो लगता नहीं, मन लगाने का उपाय भी बताया संतों द्वारा बताया जाता है पूज्य संतों द्वारा, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा हम ध्यान देते हैं कब? जैसे हमारी अंगूठी खो जाए तो फिर एकदम ध्यान कहां जाता है? उसी नौकर के पास। 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे महाराज, प्रभु हमारी अंगूठी ढूंढ दो। लेबर लेता है 300 रुपए और भगवान को 50 रुपए। ढूंढ के लाओ चाहे 4 दिन लगे चाहे 6 दिन लगे, 50 रुपए में परमात्मा तुम्हारी अंगूठी ढूंढता रहे। अब जब ढूंढ के देगा तब उसे 50 रुपए मिलेंगे। बोलो लेबर से भी एक क्या हमारी विडंबना है, कितनी हम गिर गए हैं, कितनी हमारी सोच कहां पहुंच चुकी है, कभी सोचा हमने ये? और निरर्थक भजन करने के टाइम नहीं, कथा श्रवण करने के लिए महाराज टाइम नहीं मिलता। फिर रोते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, अरे भगवान की चौखट पे नहीं आते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर के जाकर के अस्पताल में उसके पैरों पर गिरते हैं। डॉक्टर साहब पैसा भी जाता है, तन भी जाता है, धन भी जाता है और समय भी जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है रोने के अलावा। उसके लिए सब कुछ घर में अनर्गल बातें करेंगे, अनर्गल आपस में। कभी कभी देखा होगा पति पत्नी हंसते हंसते लड़ने लगते, हंसते हंसते। अच्छा होता क्या है, बात शुरू कहीं से होती है और लड़ाई की जड़ क्या है? बात शुरू होती है घर से और पहुंच जाती है पत्नी के मायके तक। बस अथ श्री महाभारत कथा परमार्थ की पुरुषोत्तम। अरे यहीं तक रहो प्यारे, यहीं तक रहो, यहां तक नहीं रहते, सीधे मायके की तरफ एकदम। हम जड़ हैं लड़ने की। हम एक ऐसे लड़का था तो बाहर बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उस बंगलोर में सर्विस लग गई तो वहीं दक्षिण भारत से उसका विवाह हो गया। पत्नी दक्षिण भारत की हिंदी जाने नहीं, तो घर में आई तो वही बात पत्नी से बात बात पे, कहीं कहे उल्लू की पट्टी, कहीं कहे गधी, कहीं कहे वो समझे ही नहीं हिंदी। एक दिन पूछा कि महाराज ये आप हमसे कहते उल्लू की पट्टी गधी, इसका मतलब क्या होता है? उसने उसे बेवकूफ बनाया। कभी किसी को बेवकूफ मत बनाना। बोले अरे उल्लू पट्टी नहीं जानती, उल्लू पट्टी का मतलब कमजोर हो जाना। अच्छा, और गधी का? अरे गधी का मतलब मोटा हो जाना, यही मतलब इसका? अच्छा, उसने कहा तो हम कहें कुछ और होगा। बोले नहीं नहीं यही है, ये तो उसे बता दिया, वो समझ गई। एक दिन क्या हुआ, घर में कोई कार्यक्रम हुआ तो बुलावा लगा पूरे मोहल्ले की, गांव की कस्बे की औरतें का आंगन में बैठे। सासू की तबीयत खराब हो गई थी, सो बड़ी कमजोर सी सासू निकल के आई, बैठी वहां पर, बहू भी बैठी। तो जो आए सास से कहे, जो भी मोहल्ले की और औरतें आए आसपास से, अरे दीदी तुम बहुत बड़ी कमजोर हो, बहुत कमजोर हो गई, बड़ी परेशान हो, क्या बात, क्या हो गई? बहू पहले तो सुनती रही, उसे तो पता ही था, तो बैठी बैठी सुनती रही। बाद में बोलने लगी, आंटी जी हमारी सासू माँ ना पहले बहुत बड़ी गधी थी, बहुत बड़ी गधी थी, अब तो बिल्कुल उल्लू की पट्टी हो गई। जैसा बोगे वैसा काटोगे। इसलिए प्यारे कभी अनर्गल चर्चा नहीं करनी चाहिए,
जो अनर्गल चर्चा में समय लगाते हो उतना समय भी यदि मेरे ठाकुर को दे दिया जाए तो आनंद से जीवन भर जाए। तो ये संसार, ये जो रुक्मी रूपी मन है, ये आत्मा का संबंध कहां करना चाहता है? संसार रूपी, संसारिक जीव रूपी शिशुपाल से। और ज्ञान रूपी जो भीष्मक है, और शुद्ध मति सदमति रूपी सदबुद्धि रूपी जो माँ है रुक्मिणी की, वो दोनों कहां करना चाहते हैं? आत्मा का विवाह, रुक्मिणी रूपी आत्मा का संबंध परमात्मा से। रुक्मिणी पहले ही भगवान के गुणों को सुन करके भगवान की बन गई थी, उनको अपना पति मान लिया था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतां ते निविश्य करण विवरैरहर तो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम त्वेयच्युता विशति चित्तम पत्रपम मे कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम्भिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम। रुक्मिणी ने कहा, नाथ आप त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण जन्म की, जन्म जन्मांतर की जलन को बुझाने वाले आपके दिव्य गुण हैं प्यारे। मेरा मन, मेरा चित्त आप में प्रवेश कर गया है नाथ, आप मेरे सर्वस्व हो गए हैं, आप उदती हैं प्यारे। हे श्याम सुंदर, आप बताएं ऐसी कौन सी कुलवती गुणवती कन्या होगी जो आपको छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति के रूप में वरण करेगी? प्यारे कोई नहीं होगी। ऐसा कहने लगी रुक्मिणी, नाथ हमने तो आपको अपना पति मान लिया है प्यारे, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अब आपकी हो चुकी हूं, अगर अब किसी संसारिक जीव रूपी शिशुपाल ने हम पर हाथ लगाया नाथ, तो ये हमारी हंसी नहीं, ये आपकी लज्जा की हंसी होगी प्यारे, अब हमारी हंसी नहीं होगी। लेकिन ये संदेश कन्हैया तक पहुंचाए कौन? ये संदेश कन्हैया तक पहुंचाए कौन? तो रुक्मिणी ने एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा, गुरुदेव आप हमारा संदेश हमारे ठाकुर तक पहुंचा दें। मैं क्या कहता हूं, सारे संत क्या कहते हैं कि बगैर गुरु के जीवन में कोई सफलता सिद्धि नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। गुरु का होना परम आवश्यक है, और गुरु का ही नहीं सदगुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं, उसके जीवन का कल्याण कोई नहीं कर सकता प्यारे। हनुमान जी की मां अंजना ने कहा, हनुमान जी तुम्हें गुरु के पास जाकर के विद्या लेनी है, ग्रहण करनी है। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज मैया सब विद्याओं का मूल तो राम है, सब विद्याओं का मूल तो राम है, और राम तो तुम कहती हो हमारे रोम रोम में रम रहा है। किमि बरनो हनुमंत की, किमि बरनो हनुमंत की, को कांति कोटि कमनी, किमि बरनो हनुमंत की, कांति कोटि कमनी, रोम रोम में रमि रहा, रोम रोम में रमि रहा, राम नाम रमनीय, राम नाम रमनीय।
हनुमान जी ने कहा माँ सब मंत्रों का सब विद्याओं का सार तो राम है और जब हमारे राम ही रोम रोम में रम रहा है तो हमें गुरु की क्या जरूरत। तो अंजना मैया ने कहा हनुमान तुम क्या भूल गए, अरे तुम तो गुरु और शिष्य परंपरा के संस्थापक हो, तुम तो रक्षक हो, तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने क्या शाप दिया था कागभुषुंड को, गुरु को प्रणाम नहीं किया था कागभुषुंड ने, तो केवल प्रणाम न करने के कारण तुमने कागभुषुंड को कितना बड़ा श्राप दे दिया। तुम तो गुरु की परंपरा के रक्षक हो हनुमान, इसलिए तुम्हें गुरु के पास अवश्य जाना होगा। तो हनुमान जी ने कहा किसे गुरु करना है, बोले सूर्य भगवान को। हनुमान जी सूर्य भगवान के तरफ चले तो सूर्य ने देखा अरे ये तो वही आ रहा है बंदर, ये वही तो है जिसने हमें जन्म लेते ही निगल लिया था, लगता है क्या फिर ये हमें निगलने आ रहा है। जन्म ते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल, जन्म ते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जानी फल लाल तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो पवन सुत, 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 जय हो जय हो जय हो। रवि पाल जान फल लाल तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो पवन सुत, जय हो जय हो जय हो पवन सुत, जय हो जय हो जय हो पवन सुत, जय हो जय हो जय हो। जैसे ही हनुमान जी को जन्म हनुमान जी का हुआ था वैसे हनुमान जी को एकदम भूख लगी, मैया से कहा मैया मुझे बहुत भूख लगी है, देखा कोई लाल फल लगा हुआ है, सूर्य भगवान को देखा तो लाल फल समझा और जा करके छलांग एक ऐसी लगाई सूर्य को निगल लिया था, बहुत मुश्किल से सारे देवताओं की प्रार्थना करने पर छोड़ा था। इंद्र ने वज्र का प्रहार भी कर दिया था जिससे उनकी हनु मीन्स थोड़ी टेढ़ी पड़ गई थी, उसी दिन से उनका नाम हनुमान पड़ गया था। तो सूर्य ने देखा कि ये तो वही है जिसने हमें जन्म लेते ही निगल लिया था, जब जन्म लेते जिसने हमें निगल लिया तो अब तो ये बहुत बड़ा हो गया, अब पता नहीं क्या करेगा। तो डर गए हनुमान जी ने कहा गुरुदेव डरने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको गुरु मान चुके हैं, हम तो आपको गुरु बनाने के लिए आए हैं, आपसे हम विद्या लेंगे। सूर्य भगवान ने कहा नहीं 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 हम आपको विद्या नहीं दे सकते, आप क्या हम दे ही नहीं सकते, क्यों? बोले विद्या तो वही देगा ना जो रुकेगा, रुक करके ही तो पढ़ाया जा सकता है, और जब हम रुकेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। हनुमान जी ने कहा नाथ ये तो हमारी हैडक है, ये तो हमारे हमारी दिक्कत है आपकी नहीं है, हम इसे हल कर लेंगे, क्या करोगे? बोले हम आपके साथ साथ चलेंगे। तो सूर्य भगवान ने कहा चलोगे तो लेकिन साथ साथ चलने से विद्या थोड़ी आती है, अरे विद्या में तो एक दूसरे का मुंह आमने सामने होना चाहिए, तभी तो शिष्य और गुरु का संबंध स्थापित होगा, तभी तो हम समझा पाएंगे। बोले गुरुदेव चिंता मत करो हम आपके सामने उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान ने कहा जब अभी से ही उल्टा चलेगा तो शिष्य बन के क्या करेगा। हनुमान ने कहा गुरुदेव चिंता करने की बात नहीं है, अरे उल्टे इसलिए चलेंगे कि जिसकी चाल गुरु करने के बाद भी जिसका जीवन नहीं उल्टा, जिसकी चाल गुरु करने के बाद भी नहीं उल्टी फिर उसका गुरु करना ही बेकार हो गया। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है प्यारे। आज रुक्मिणी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा हमारे संदेश को आप जो है हमारे कन्हैया तक पहुंचा दें। सुदेव ने रुक्मिणी का पत्र लिया और कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने वो पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था श्याम सुंदर मैंने आपको पत्र रूप में वर्ण कर लिया है, मैं आपकी हो गई हूं नाथ,
यदि आपने मुझे छोड़ दिया, यदि आपने मुझे नहीं अपनाया, तो इसमें हंसी मेरी नहीं आपकी होगी प्यारे। नाथ ये शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये तमाम प्रकार के जो राजा हैं, ये दुष्ट हैं, इनसे बचा करके हमें आप सुरक्षित निकाल लो नाथ, यही मेरी प्रार्थना है। प्यारे मैं एक उपाय बताती हूँ आपको नाथ। हमारे यहाँ एक कुलरीति है कि जिस कन्या का विवाह होता है उसे कुल देवी की पूजा करनी पड़ती है। वो कुल देवी की पूजा करने के लिए जाती है नाथ। जब हम कुल देवी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाएं, अपने रथ को तुम मंदिर के कोने में लगा देना, और जैसे ही हम पूजा करके निकलें, वैसे हमारा हाथ पकड़ करके नाथ अपने जीवन रूपी रथ में मुझे बिठा लेना, यही कृपा कर देना प्यारे, इतनी कृपा कर देना। कन्हैया ने पत्र पढ़ा और कहा, सुदेव जैसा रुक्मिणी ने लिखा है जाओ, ठीक वैसा ही होगा। इधर सारे राजाओं को व्यवस्थित लगा दिया गया, बड़े बड़े योद्धाओं को लगाया गया। सुदेव के लौटने की प्रतीक्षा में रुक्मिणी सोचती है, नाथ कहीं तुम नहीं आए तो क्या होगा प्यारे, हमने तो तुम्हें ही अपना सब कुछ बना रखा है नाथ।